नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हां, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात करें तो लगातार सीटों को लेकर घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कुछ सीटों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का पूरा मुद्दा निकल कर आया मिल्कीपुर सीट को लेकर और उपचुनाव वहाँ का टलता हुआ नजर आया, तो ऐसे में तमाम समीकरण बन रहे हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार उपचुनाव के समीकरण बन रहे हैं, आखिरकार किसके पक्ष में फैसला जाएगा? लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव इस बार भी अपना दमखम दिखा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी फिर से मौके पर चौका मारते हुए नजर आ सकती है? देखिए माही, जिस तरह से समीकरण फिलहाल अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पलड़ा जो है वो फिलहाल अभी भी भारी है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें सूबे में जीतकर यहाँ पर जीत का परचम लहराते हैं, सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और देशभर की अगर बात की जाए तो देशभर में तीसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रहती है। तो पार्टी का जिस तरह से कद बढ़ा है, अखिलेश यादव की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव तमाम वो बड़े चेहरे उपचुनाव में उतारते हुए नजर आएंगे, जिनसे कहीं ना कहीं अपनी मुट्ठी में वो तमाम सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह का माहौल पिछले कुछ समय पहले देखा गया, वो कहीं ना कहीं यहां पर प्रभावित रहेगा इस चुनाव में। तो अगर उसका प्रभाव यहां पर पड़ता है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ज्यादा सीटें यहां पर निकल सकती हैं। और अगर बात की जाए मायावती और चंद्रशेखर आजाद की, तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उपचुनाव में उनके हाथ कुछ सीटें लगती हुई नजर आए। अगर देखा जाए तो आजाद ने तो अपना खाता लोकसभा चुनाव में खोल लिया था, दो सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन एक सीट पर यहां पर नगीना से जीत दर्ज करते हुए नजर आए और सांसद बनते हैं। और कहीं ना कहीं मायावती की अगर बात कर ली जाए तो मायावती सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बावजूद भी यहां पर मायावती का दबदबा 2007 के बाद से लगभग कम होता हुआ नजर आया। और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यहां पर मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलना, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की पार्टी का, मायावती की पॉपुलैरिटी का वर्चस्व जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा से बढ़ाने के लिए मायावती को रणनीतियां यहां पर चेंज करनी पड़ेंगी। और आजाद ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती, उसी कहीं ना कहीं समीकरण को देखते हुए अगर आज़ाद यहाँ पर तैयारियाँ करेंगे तो अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज़ाद और मायावती ज़्यादा सीटें यहाँ पर निकालने में कामयाब रहें। और अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव वो चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, कन्नौज से अब की बार सांसद बनते हुए नजर आए। और ऐसे में जिस तरह से सांसदी का चुनाव लड़ा, उसके बाद यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो अब अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही 2027 का विधानसभा चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी जो है उनके तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, यहां पर तमाम बड़े चेहरे कहीं ना कहीं पार्टी को अपनी जीत दिलवाने के लिए, 2027 में सरकार बनाने के लिए अभी से प्रयासरत हैं। तो स्थिति साफ है कि अखिलेश यादव यहां पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे और तमाम राजनीतिक पार्टियां हो सकता है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के उपचुनाव में विफल होती हुई नजर आएं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिलहाल समीकरण उत्तर प्रदेश के यही बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गेम करती हुई नजर आती है और वहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण किसका खेल बिगाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का या अखिलेश यादव का, या फिर कुछ और खेला होता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।